कॉइन में ये लाइंस क्यों होते हैं और जिन बबल रैप्स को हम फोड़ते हैं उनका असल में काम क्या है। शर्ट के साइड में ये चीज क्यों होती है। आज हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे जिनका रियल यूज आपको आज तक पता नहीं था। नंबर 1, डोमिनोज के पिज्जा में ये पिज्जा टेबल या पिज्जा स्टॉपर जो आता है ये हम पिज्जा खोलते ही फेंक देते हैं, पर एक्चुअली में इसका एक इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप पिज्जा का कोई पीस लेने जाते हो साथ ही साथ साइड वाला पिज्जा भी आगे खींच जाता है और फिर हमें हाथों से अलग करना पड़ता है जिसमें हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं और इसे रोकने के लिए ये पिज्जा स्टॉपर दिया जाता है। नंबर 2, बुक के साइड में आने वाली इन लाइन को आपने कई बार देखा होगा। एक्चुअली पहले के जमाने में इंटरनेट और प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी जिसकी वजह से तभी के लोग सारी की सारी चीजें बुक में अपने हाथों से लिखते थे और उसे लाइब्रेरी में रखते थे और कई बार लाइब्रेरी की बुक्स चूहे कुतर जाते थे। चूहे पूरी बुक को नहीं खा पाते थे पर वो बाजू की बॉर्डर को कुतर देते थे। इसीलिए फिर बुक बनाने वालों ने सोचा कि वो पेज में ऐसे मार्जिन बना देंगे ताकि लोग मार्जिन के पीछे लिखे और अगर कोई चूहा बुक कुतरता है तो बस पेजेस ही काटेगा और जो लिखा है वो बच जाएगा और बस इसी पर्पस के लिए मार्जिन बनाई गई थी। और आज हमें बिना मार्जिन के लिखने में अनकंफर्टेबल फील होता है। नंबर 3, आपने ईयरफोन में आने वाली ये रिंग्स तो देखी ही होंगी। दरअसल ये 2 या फिर 3 रिंग्स इसलिए होती हैं ताकि ये सारे टाइप के फोन में चल सके। जैसे कि पहले के फोन में 1 स्पीकर आता था और अभी के फोन में 2 स्पीकर आते हैं और ये रिंग्स सारे टाइप के फोन में चले इसलिए ये होती है। पर कुछ लो बजट ईयरफोन में 2 रिंग भी होती है और उनका अलग पर्पस होता है। नंबर 4, आपने ये देखा होगा कि नूडल कप जो होता है वो नीचे से ऐसे खाली होता है, तो ऐसा क्यों? असल में आपके नूडल कप को बचाने के लिए ये ऐसा करते हैं। ये जानबूझ के कप्स की साइज नूडल से ज्यादा देते हैं और नीचे से खाली रखते हैं ताकि जब नूडल शिप हो रहे होते हैं तभी किसी झटके की वजह से नूडल टूट ना जाए। टूटे हुए नूडल्स लोगों को कम अच्छे लगते हैं और इसीलिए ये ऐसे खाली होता है। नंबर 5, डोनट का ये जो शेप है इसका नाम खुद डोनट ने ही रख दिया है। ये शेप को भी एक खास पर्पस की वजह से यूज किया गया था। दरअसल जब पहले के टाइम में डोनट्स बनाए जाते थे तब डोनट को पकाने के लिए आज जैसे मॉडर्न ओवन नहीं थे और इसी वजह से डोनट बीच से कच्चे रह जाते थे और सही से नहीं पकते थे, तो इन्होंने बीच के पीस को ही हटा दिया और इस शेप को मार्केट में लाया। फिर सारे बेकर इस तरीके से ही डोनट बनाने लगे। नंबर 6, सनग्लासेस। आपको यही लगता होगा कि सनग्लासेस को हमेशा सूरज से बचने के लिए और कूल दिखने के लिए बनाया गया है, पर एक्चुअली इसको एकदम अपोजिट काम के लिए बनाया गया था। ये स्नो से बचने के लिए बने थे, फिर धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गए, पर चाइना में इसे जज इस्तेमाल करते थे ताकि अपने इमोशन को छिपा सकें और फिर लोग इसे अपनी आंखों को सन से बचाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। नंबर 7, टूथपेस्ट के कैप में ये स्पाइक क्यों होता है। ये बस डिजाइन के लिए नहीं है, इसका एक इम्पोर्टेंट काम है। दरअसल अच्छी कंपनी के ज्यादातर जो टूथपेस्ट आते हैं वो एक फॉइल से कवर्ड होते हैं ताकि टूथपेस्ट की क्वालिटी खराब ना हो और वो लीक ना हो, क्योंकि अगर बिना सील के टूथपेस्ट बेचा जाएगा तो हो सकता है अंदर का पेस्ट पतला हो जाए। और ऊपर का ये जो स्पाइक होता है इनका काम इन कवर को तोड़ने का होता है, पर इंडिया में ऐसे कवर को चाकू या चमचे से ही तोड़ दिया जाता है। इसलिए काम क्या होता है, चीजों को प्रोटेक्ट करना, राइट? एक्चुअली में नहीं, इसका स्टार्ट कम्प्लीटली किसी और वजह से हुआ था। एक्चुअली में इसे दीवारों की पेंटिंग में डिजाइन करने के लिए बनाया गया था और फिर इसे पेंट डिलीवरी करने में इस्तेमाल किया गया और पता चला कि ये एक्चुअली में चीजों को बहुत अच्छे से डैमेज होने से बचाता है और इसीलिए आज डेलिकेट चीजों में बबल रैप ही दिया जाता है। नंबर 9, इंडिया के 1 और 2 रुपए के सिक्के में आपने लाइन वाला पैटर्न तो देखा ही होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि पहले के टाइम में सिल्वर और गोल्ड के कॉइन यूज किए जाते थे और ये सब बहुत वैल्यूएबल कॉइन थे, तो कुछ चालाक लोग ये करते थे कि कॉइन्स के साइड में थोड़ा घिस देते थे जिसके बाद जो स्क्रैप कलेक्ट होता था उसे पिघला के बहुत ज्यादा दाम में बेचते थे और इसे रोकने के लिए कॉइन्स में ऐसे लाइन का पैटर्न आता था ताकि कॉइन घिस गए या नहीं इसका पता चले। फिर ऐसा एक एक करके ऐसा पैटर्न सारे कॉइन्स में आने लगा। नंबर 10, कई सारे शर्ट्स और जैकेट्स में ये चीज दी जाती है। लोगों को लगता है ये बस डिजाइन के लिए है पर इसका पर्पस है, ये एक्चुअली में बैकपैक्स और वैनिटी बैग्स को सपोर्ट करने के लिए होता है ताकि वो शोल्डर से गिर ना जाए। और हाँ, ये थोड़ा बहुत अच्छा लुक भी देता है, यानी ये लुक्स के लिए भी होता है।